जैसे नीट में आजकल एक भ्रम चल रहा है कि जैसे सर अगर 605 मार्क्स अब कट ऑफ गई है, अब जिस स्टूडेंट का, जिन विद्यार्थियों का नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अब उनका एक ही टारगेट होता है कि चलो अब नहीं हो पाया तो हमारा करियर बर्बाद हो गया है ना, उनको कुछ आगे दिखाई देता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ले अब आपको कुछ नहीं मिल सकता, जबकि नीट 2016 से स्टार्ट हुआ है, तब से नीट का एग्ज़ाम सारे मिलाकर जो भी एग्ज़ाम होते थे पहले वो सभी एक कर दिए गए हैं। जैसे पहले एम्स का एग्ज़ाम सर अलग होता था, IPUT का अलग होता था, अब वो सारे एग्ज़ाम एक नीट के थ्रू कर दिए गए हैं। अभी कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि सर कितने मार्क्स पे कौन सी कॉलेज, बस हमारे दिमाग में एक ही आइडिया चलता है कि बस ह्यूमन डॉक्टर। जैसे 605 मार्क्स कट ऑफ गई है सर, अब लगता है कि इसके आगे अब कोई कैरियर नहीं बचा है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके 605 मार्क्स नहीं आए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके मान लो 580 मार्क आए या फिर आपके पास और कम मार्क्स, जैसे जैसे आपके नंबर कम आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आपकी कॉलेज की क्वालिटी भी चली जाती है। जैसे अगर मैं बताना चाहूँगा आपका नीट में नहीं हो पाया है तो आप AIPVT के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अगर बात करें हम जैसे सर वेटनरी होता है, आयुर्वेद, होम्योपैथिक और जामिया यूनिवर्सिटी, MU यूनिवर्सिटी, BHU हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी सर जो भी होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके लिए अलग अलग से इंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं।